धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि व्हेन द वेल इज ड्राई वी नो द वर्थ ऑफ वाटर। उनकी कही हुई बात आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन पूरे देश में एक चर्चा का विषय है और इसका सबसे प्रमुख कारण फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है। हमारे प्रधानमंत्री ने ग्लासगो समिट में भारत का पक्ष रखा जिसके अंतर्गत हमारे एमिशन टारगेट्स क्या होंगे, किस प्रकार हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करेंगे और कैसे भारत जलवायु परिवर्तन के विषय पर एक अग्रणी भूमिका में रहेगा। हमारी प्राथमिकता अब यह होनी चाहिए कि किस प्रकार इस लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाए और हमारा वर्तमान और भविष्य सुरक्षित किया जाए। आज इस सदन में हम एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पर चर्चा कर रहे हैं जो सबसे पहले 2001 में लाया गया था और 2010 में अमेंड हुआ था। आज 12 वर्ष बाद इस कानून का संशोधन किया जा रहा है। देश में ऊर्जा का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी हो गया है। ऊर्जा का संरक्षण वर्तमान में करने से भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए कई प्रकार की समस्याएं कम हो जाएगी। यदि वर्तमान में ऊर्जा संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ऊर्जा या एनर्जी की अगर बात करें तो इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। हमारे शास्त्रों में भी ऊर्जा का वर्णन है और ऊर्जा हमारे देश में हर एक्टिविटी का स्रोत है, जो चाहे वो अर्थव्यवस्था से संबंधित हो या आम आदमी के जीवन से। इसलिए आज ये बिल और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा भविष्य तय करेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात है उसके गोल्स को भी हम अचीव कर सकेंगे। क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है उसमें बाढ़ और सूखा जैसे प्राकृतिक आपदा और भीषण होते जा रहे हैं। उसमें 90,000 करोड़ से भी ज़्यादा नुकसान होता है और यह हर साल की कहानी है, जिसमें कितने लोग, जिसमें किसान, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति एक नकारात्मक ढंग से प्रभावित होते हैं। आज सदन में चर्चा और संवाद हो रहा है और मुझे भरोसा है कि सरकार एक सकारात्मक एक्शन प्लान की संरक्षा करेगी क्योंकि यह विषय राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित और हमारे विकास से संबंधित है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ला रही है क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन एक डायनामिक और इवॉल्विंग सब्जेक्ट है और टेक्नोलॉजी के साथ हम क्लीन एनर्जी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। कुछ सुझाव हैं। क्लॉज 3 के माध्यम से इस विधेयक में सरकार ने ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी एनर्जी एफिशिएंसी की सदस्यों की संख्या 26 से बढ़ाकर 37 कर दी है और इस कमेटी में मेजर कंपोजिशन ब्यूरोक्रेट्स का है लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट का कोई रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं है। हमारे कई ऐसे साथी हैं इस संसद में जो एनवायरमेंट के लिए अच्छा काम भी कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि इस कमेटी में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें ऐसे लोगों की भी इसमें लोगों को डालें। इसके अतिरिक्त इस विधेयक में अर्बन लोकल बॉडीज पंचायत का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और ऐसे इंस्टीट्यूशंस का दायित्व है सबसे मैक्रो लेवल पर एनर्जी कंजर्वेशन करना। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसमें यूएलबी और पंचायत को भी भागीदार बनाया जाए। मेरा पहला सुझाव और एक सुझाव है कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत सबसे ज्यादा शेयर सोलर एनर्जी का है लेकिन वर्तमान में सोलर एनर्जी का प्रयोग सिर्फ इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एंटिटीज द्वारा किया जा रहा है और रेजिडेंशियल सेक्टर में अभी भी यह स्कीम पॉपुलर नहीं है। इसका प्रमुख कारण है कि रेजिडेंशियल एरियाज में सोलर प्लांट या रूफटॉप ग्रिड लगाने के लिए किसी भी प्रकार का इंसेंटिव नहीं दिया जाता है और जिस प्रकार आज इस बिल के माध्यम से आप ऑफिस बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल एरियाज को एनर्जी कंजर्वेशन कोड के अंतर्गत ला रहे हैं वैसे ही रेजिडेंशियल सोलर सब्सिडी या इंसेंटिव के लिए भी सरकार कोई योजना लाए। मेरा और एक सुझाव है कि सरकार द्वारा 50 में से सिर्फ 39 सोलर प्लांट्स को स्वीकृति दी गई है और उसमें से सिर्फ 8 पार्क्स का काम पूरा किया जा सका है और 6 पार्क्स ऐसे हैं कि जिनका पार्शियल कंप्लीशन हुआ है। हमारा लक्ष्य था कि 40 गीगावाट्स का जो अभी भी लक्ष्य हमारा पूरा नहीं हो पाया है, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा इस मिशन मोड पे पूरा किया जाए। सोलर प्लांट्स लगाने के सबसे बड़ा इशू जमीन की उपलब्धता है और इसके लिए सरकार को पीएसयू के सरप्लस लैंड को यूटिलाइज करने की योजना बनानी चाहिए और इसके अतिरिक्त जैसे कोचीन एयरपोर्ट फुल्ली सोलर पावर प्लांट पर चल रहे हैं वैसे ही अन्य एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन्स को भी सोलर प्लांट्स पर चलाने की योजना बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमारा फोकस अभी तक सिर्फ स्टैटिक सोलर प्लांट्स पर है
अब हमें फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स, पावर प्लांट्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के खांडवा में नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि देश के अन्य राज्यों में भी नदियों पर ऐसी सोलर पावर प्लांट्स लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह ना सिर्फ एनर्जी जनरेट करेगी पर इसका एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह भी विकसित हम कर सकते हैं जी। अगला है हाइब्रिड मॉडल। मेरा अगला सुझाव है कि हमें अब हाइब्रिड मॉडल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सरकार ने सोलार विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट की एक योजना बनाई है, लेकिन अब आवश्यकता है कि हम सोलार के साथ अन्य रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को भी हाइब्रिड मॉडल पर शुरू किया जाए। जैसे वेस्ट अफ्रीका में नॉर्वे सरकार ने एक सोलर हाइड्रो हाइब्रिड प्रोजेक्ट बना रही है। घाना में वेस्ट अफ्रीका में 400 मेगावाट्स के हाइड्रो सोलर प्लांट्स का निर्माण कर रहे हैं। और उसी तरह से मुझे लगता है कि कल मिथुन जी ने एक उदाहरण दिया कि तेलंगाना में एक सोलर आंध्रा में सोलर हाइड्रो पावर प्लांट। तो मुझे लगता है कि दिन के वक्त में सोलर प्लांट काम करेगा और रात के वक्त में ग्रेविटी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। तो ये एक अच्छा मॉडल है जो हर पूरे देश में रेप्लिकेट करना बहुत जरूरी है। फिर उसी के साथ में ना प्लीज खत्म करो सर। हम स्मार्ट मीटर्स तो लगाते हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर्स जो हम लगा रहे हैं सब जगह पर, खाली वहां पर रीडिंग्स की अनुमान हमें मिलता है, हमें यह अनुमान मिलता नहीं है कि कौन सा अप्लायंस कितना एनर्जी खा रहा है, कितना एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो स्मार्ट मीटर सिर्फ एनर्जी रीडिंग के लिए नहीं, पहले वो जो मीटर थे पुराने उसको खाली चेंज करके डिजिटाइज किया गया और उसको स्मार्ट मीटर कहा गया। तो अगर मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे बाहर के देशों में है कि कौन सा अप्लायंस कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो एनर्जी सेविंग के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं और एनर्जी कम यूटिलाइज हो सकता है। सर खत्म, लास्ट पॉइंट, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस ब्रिंगिंग इन हियर लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स कुड बी रिलेवेंट टू मैक्सिमाइज द गेन्स फ्रॉम एनर्जी एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, जापान हैज डेवलप्ड अ कार्बन रिडक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विच इन्वॉल्व्स बोथ मैंडेटरी एंड वॉलंटरी रिपोर्टिंग टू द टोक्यो म्युनिसिपल गवर्नमेंट। बेस्ड ऑन दिस इनपुट्स the Tokyo municipal government then educates the SMEs about EE strategies to gear them in a desirable direction. In Curitiba, Brazil, an improved public transportation system has led to one of the lowest per capita gasoline consumption in Brazil despite the second highest car ownership rate. तो इन सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और ये बहुत अच्छा विधेयक है कि मैं इसको माननीय मंत्री जी कुछ सुधारों की भी आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूँ